नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मामूली तस्वीर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हाथों में झाड़ू लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के परिसर की सफाई करते ये और कोई नहीं बल्कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनेता होने के साथ साथ सिंधिया राजघराने के राजा भी हैं, श्रीमंत हैं, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में झाड़ू यकीनन पहली बार देखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो कार्यालय है वहां पर उन्होंने बाकायदा साफ सफाई की और जहां पर उन्हें गंदगी दिखी उसे उठा करके उन्होंने डस्टबिन में भी रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, लेकिन जैसा पहले भी हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी कुछ कहते हैं या करते हैं वो चीज निशाने पर आ जाती है कांग्रेस के, और उसके जरिए न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा जाता है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छे मन के साथ प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का भागीदार बनते हुए उन्होंने अपने विभाग का जो कार्यालय है, जो मंत्रालय है, वहां पर उन्होंने साफ सफाई तो की, लेकिन कांग्रेस ने इसे फोटोबाजी यानी फोटो अपॉर्चुनिटी करार दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो को ट्वीट करते हुए कहा कि सही मायनों में सफाई होनी चाहिए थी, केवल फोटोबाजी के लिए नहीं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आमतौर पर मंच पर नेताओं पर हमले करते हुए दिख जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर विपक्षी दलों के नेता हमेशा से रहे हैं। फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है उनके निशाने पर है। जब भी उन्हें मौका मिलता है राजनीतिक मंच पर वो जमकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला करने से रुकते नहीं हैं। उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर के जमकर प्रहार किया था, लेकिन ये पहला मौका है जब सिंधिया राजघराने के श्रीमंत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सार्वजनिक रूप से झाड़ू लगाते नजर आए, और उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है और मध्य प्रदेश में इस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है।